आदरणीय और भारत की बाल और महिला विकास सर प्लीज सर श्रीमती स्मृति ईरानी जी, श्रावण जी, योर एक्सीलेंसीज, मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेटिक कॉर्प, बहनों भाइयों, नौजवान दोस्तों, Today's event is a strong resolve, India's resolve, new India's resolve to make our country free from exploitation of children, in particular child marriages. We don't want to continue with this stigma on our face. This is a global issue. Child marriage is a global crime which exists in many, many countries, rich and poor, low income and industrialized. In many countries we don't have enough laws, in some countries we have laws but they are not enforced. But India cannot just wait and watch. 14 or 15 child rights institutions, official child rights institutions are present here. SCPCR, then NCPCR, in addition to more than 30 organizations who are fighting on the ground against this evil. ये जो हो रहा है कार्यक्रम, ये कैसे यज्ञ की तरह है जहां हम लोग बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि संकल्प की आहुतियां देने के लिए बैठे हैं। जब मैं यज्ञ कहता हूं तो अपने सर्वश्रेष्ठ की आहुति जब देते हैं हम पवित्र अग्नि के कुंड में, तो हर आहुति के साथ एक संकल्प होता है। संकल्प होता है प्रकाश फैलाने का, संकल्प होता है अंधेरे का विनाश करने का, संकल्प होता है एक बेहतर दुनिया बनाने का। तो हम लोग आज जब यहां बैठे हैं तो जो सबसे अच्छा हमारा है, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारा सामर्थ्य, उसकी आहुतियां देकर हम भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प देकर बैठे। मैं बाल विवाह की बुराइयों पर यहां चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग इस अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ पिछले 200-250 साल से भारत के ऋषि मुनि चेतना फैलाने का काम करते रहे। भारत की परंपरा में तो 25 साल से पहले, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले हर एक किसी को अध्ययन करना पड़ता था, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जा सकता है। तो हमारा कानून तो अभी 18 और 21 का है, लेकिन जो हमारी पुरातन परंपरा का संदेश है वो तो और भी ज्यादा था, क्योंकि उस वक्त हम ये मान के चलते थे कि हमारी जो औसत आयु है वो 100 वर्ष है, तो चार भागों में हमने उसको बांट दिया। महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म दूसरी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया बाल विवाह के खिलाफ, बहुत सारे संस्थाओं ने चलाया, लेकिन धीरे धीरे हम ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत नए तरीके के प्रयोगों की जरूरत है। इसमें
छोटे बच्चों की शादियों की जब हम बात करते हैं तो आज सवेरे सवेरे मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी, रायपुर छत्तीसगढ़ की यह खबर है। शहर की सड़कों पर 16 साल की एक बेटी को 44-45 साल का एक आदमी बाल पकड़ के खींचता है और चाकुओं से गोंद देता है क्योंकि उसको शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है, उसके विवाह के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार किया लेकिन सैकड़ों लोग उस तमाशे को देखते रहे, उसे रोका नहीं चलता, पुलिस ने आके रोका। ये एक ऐसी घटना है जो सिर्फ अजूबी अनोखी नहीं, हमारी अपनी सरकार की आंकड़ों के हिसाब से जब जानकारियां इकट्ठी हुई, अध्ययन हुआ तो पता लगा स्वास्थ्य मंत्रालय को कि 23% से ज्यादा हमारी जो युवतियां हैं 16 से 20 साल के बीच की, उनका विवाह कर दिया गया। तो ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है कि बहन स्मृति जी यहां बैठी हैं और मैं पिछले 40-45 साल से जो काम कर रहा हूं बच्चों को लेकर, मैं पूरे अधिकार के साथ, इसलिए नहीं कि मैं उनको अपनी बहन मानता हूं और वो मेरा सम्मान करती है भाई की तरह, बल्कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इनसे ज्यादा सक्रिय, संवेदनशील और जानकार व्यवहारिक मंत्री आज तक इस इलाके में है। ये इस मंत्रालय का सौभाग्य नहीं है बल्कि पूरे देश का सौभाग्य है और हम सब की ये जिम्मेवारी है कि इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा योगदान दें नए भारत के निर्माण में, कि भारत की कोई भी बेटी जबरदस्ती गुलामी की शिकार ना हो, कोई भी बेटा गुलामी का शिकार ना हो, यौन शोषण का शिकार ना हो, किसी भी बच्चे की जबरदस्ती शादी ना कराई जाए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। जब एक बच्ची की शादी होती है, विवाह होता है, तो न केवल उसके जीवन की बर्बादी, उसके अवसरों की बर्बादी है, बल्कि ये मानवीय गरिमा और मानवीय आजादी छीनने की घटना होती है। एक भी लड़की की शादी होती है 10 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र में, तो लगता है कि हमारी भारत की महान संस्कृति, हमारी महान परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की महान तपस्या, उस पर हम एक कलंक का टीका लगते हुए देख रहे हैं, ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जब हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो हमारी हजारों लाखों बेटियां जहर के घूट घूट पी कर रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं, इसीलिए हम लोग यहां बैठे। 2 दिन बाद आप लोग यहां से जाएंगे तो मुझे यकीन है कि और बड़े संकल्प के साथ साथ बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेके आए। हमारे पास कानून है लेकिन कानून को लागू कराने की जिम्मेवारी अकेले पुलिस की नहीं हो सकती कि पुलिस गांव-गांव में खड़ी हो जाए। हमारे संवैधानिक दायित्व को पूरा करने की जिम्मेवारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है। सरकार और समाज को मिलकर काम करना, जो सामाजिक संगठन एनजीओ वगैरह यहां आए हैं मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं। 16 अक्टूबर को आप में से बहुत लोग बहुत सक्रिय थे, तब मैंने कहा था कि भारत में एक नए सूरज का उदय होगा इस साल में, अमृत महोत्सव के काल में, और वो सूरज गांव से निकलेगा। हमें बाहर से जाके बाल विवाह रोकने के प्रयासों के साथ साथ जो देखना है, जो करना है, वो ये है कि गांव की बेटियां, गांव की बहनें, गांव की बुजुर्ग महिलाएं,
हर पंचायत के लोग, वहां शादी कराने वाले मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी, बैंड बाजे वाले हलवाई, टेंट लगाने वाले, उनके अंदर भी इतनी चेतना हो कि वो कहें कि हमारे गांव में किसी हालत में भी बच्चे का विवाह नहीं हो। और यही कारण था, मैं खुद हैरान था जब हमने चिट्ठी लिखी देश भर में, तो 10 दिन के अंदर 76,000 बहन और बेटियों ने हमें जवाब दिया कि हम इसकी अगुवाई करना चाहते हैं। राजस्थान के गांव में जब मैं और मेरे साथी इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे थे, तो एक बहुत बूढ़ी मां पुरुषों को धक्का देते हुए आगे बढ़ी चली आ रही थी। वो कह रही, मैं पीछे से सारी बात सुन रही हूं कि कितना अत्याचार होता है, लेकिन आज मैं आगे बढ़ के मशाल थामूंगी। और जो मशाल हमने जलाई थी, मोमबत्तियां जलाई थी, उसने पास में आके 70-80 साल की बुढ़िया ने, गांव की जो घूंघट में रहा करती थी, आगे आके उसने कहा कि बहने घूंघट छोड़ दो, मशाल हाथ में लो, जो अत्याचार, जो घुटन हमारे अंदर घुट रही है दसियों साल से, उस घुटन का, उस अत्याचार का हम लोग अंत करेंगे। ये जाते हुए भारत का एक उदाहरण है। हरियाणा में खाप पंचायत में हमने फोन पर बात की महिलाओं और पुरुषों से, बहुत देर तक वो समझ नहीं पाए कि हम क्या करें, लेकिन महिलाओं ने आगे बढ़ के कहा पुरुषों को कि देखो, जितना भी ज्यादा तुम अपना चलाते रहते हो ठीक है, पुरुष लोग ज्यादा चलाते हैं अपनी थोड़ी सी परिषद। उन्होंने कहा कि नहीं, बाल विवाह के मामले में हम आगे आएंगे और बाल विवाह रुकवाएंगे। खाप पंचायत को न केवल फैसला करना पड़ेगा बल्कि इसे लागू भी कराना पड़ेगा। ऐसी ढेरों घटनाएं, ऐसी ढेरों घटनाएं, छोटी छोटी लड़कियों ने चिट्ठी लिख के हमसे कहा कि मेरी मां के साथ जो हो गया था, मेरी मां और मैं इसमें शामिल होना चाहते। तो 2 करोड़ के लगभग, मुझे लगता है देश के प्रत्येक राज्य के, सभी राज्यों के हो गए थे शायद, एक आध रह गया था, सभी राज्यों को हो गया। अंडमान निकोबार में भी लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और दलित के अंदर भी मोमबत्तियां जलाई और कहा कि हम ये नहीं होने। इसका मतलब यह है कि देश में लाखों करोड़ों बहनें घुट रही हैं भीतर भीतर, और वो आवाज उनकी बाहर निकलना चाहती है, और उस आवाज, उस वेदना को शब्द देने के बाद उसका अर्थ निकालते हुए उसका समाधान ढूंढने के लिए हमारे बीच में हमारी बहन स्मृति ईरानी बैठी। हम सब लोग आपके साथ वो दिन देखना चाहते हैं 2 साल के बाद, जब हम कहें 2025 में कि बाल विवाहों को हमने 23% से घटाकर 10% कर दिया है, और 2030 तक हम ये देखना चाहते हैं कि भारत को दुनिया का पहला राष्ट्र हो ये कह सके हर गर्व के साथ कि हमने बाल विवाहों का अंत कर दिया। बाल विवाह की बुराई एक इतिहास बन के रह जाएगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, जो इसमें शामिल हैं आज, जो एक बात आपके बुढ़ापे में आप याद रखोगे, आज का दिन याद रखोगे, ऐसे कई दिन आएंगे उनको याद रखोगे, जब आपके मन में ही आएगा, आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हुए कहोगे कि एक दिन हम दिल्ली में बैठे थे सब लोग राष्ट्रीय कंसल्टेशन में, और तब हमने फैसला किया था कि 2030 तक हम भारत को बाल विवाह से मुक्त कर देंगे, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। मैं चाहता हूं कि आपके बेटे बेटियां और आपके पोते पोतियां किताबों में पढ़े कि एक बुराई हुआ करती थी जिसका नाम बाल विवाह था, जिसका अंत करने वालों में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी शामिल। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं 2 मिनट में। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं सरकार से, मांग भी कर रहे हैं कि जो हमारा शिक्षा के अधिकार का कानून है, जिसमें से संभव है कि बहुत
सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ 2001 में विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी कि संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। तब लोग कहते थे ये संभव नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो बहुत मध्य प्रदेश के थे, मेरा उनसे परिचय था, तो उनके घर बैठ के 2-3 बार हमने बात की और फिर ये परिणाम निकला कि ये एजुकेशन सेस लगाने का एक उपक्रम तैयार हुआ और उन्होंने कहा कि अगर 2/3 बहुमत तैयार हो जाता है देश में तो हम संविधान में संशोधन कर पाएंगे। कांग्रेस के लोगों से भी हमने बातचीत किया, तो सभी पार्टियों के प्रत्येक सांसद के दरवाजे हमने खटखटाए, प्रत्येक सांसद के उस समय 2002, 2001 और 2000 में, और अंत में उसी साल कुछ महीनों के बाद ही संविधान संशोधन। लेकिन वो जो आयु सीमा अभी 14 साल की है, 18 साल की अगर वो होती है तो हम बहुत सारी बुराइयों और अपराधों को रोक पाएंगे। लड़की अगर स्कूल के अंदर है तो बाल विवाह होने की संभावना कम से कम होगी, ट्रैफिकिंग की संभावना कम से कम होगी, बाल यौन शोषण की संभावना घटेगी जब लड़कियों में हम चेतना जगाएंगे, लड़कों में चेतना जगाएंगे। बाल मजदूरी, घरेलू बाल मजदूरी जो चलती है वो रुकेगी। 18 साल की आयु होने पर हम घर के साथ कहेंगे कि हमने हमारी किशोरियों को, हमारी बेटियों को, हमारे लड़कों को, हमारे बेटों को इस अमृत महोत्सव में सबसे बड़ा उपहार दिया है कि उनको हमने 18 साल तक पढ़ाने का वादा किया। कानून का सहारा हम ले रहे हैं। हमारा मानना है कि एक तरफ चेतना जगाने की जरूरत है और दूसरी तरफ जो बना हुआ कानून है उसकी जानकारी के साथ साथ उसका पालन भी होना चाहिए। There are strict laws in India to prohibit all kind of exploitation. The present government in this tenure and the previous tenure have not only amended many laws related to children, protection of children, but they have launched several schemes for the benefit and for the protection of children and women. बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे लोग उसके मामले में सचेत हों और कानून का सहारा लें उन लोगों के खिलाफ जो जानबूझकर इस अपराध में लिप्त हैं। एक और चीज यहाँ पर है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, जिनके घरों में सबसे ज्यादा विवाह होते हैं, बाल विवाह, उनकी आर्थिक स्थिति बहुतों की बहुत कमजोर है। हम सब मिलकर ये बात रख सकते हैं, यहां पर एक यज्ञ की आहुति के लिए हम बैठे हैं सब लोग, तो ये भी कि एक तरफ तो वहां पर हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन की प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको और सक्रिय और मजबूत किया जाए, जहां जो लोग बहुत ही ज्यादा निर्धन हैं, निर्बल हैं, वंचित हैं, उनको लाभ मिल सके, लेकिन इस शर्त के साथ वो लाभ हो कि वो बाल विवाह नहीं होने। जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं उनको किसी तरह लिंक किया जाए, इससे कोई तरीका ढूंढा जाए कि बाल विवाह इसके साथ जुड़ा हुआ मामला होगा। अगर मनरेगा का प्रोग्राम चल रहा है, अगर और दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, कई राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रखे हैं, लगभग सभी राज्य सरकारों के अच्छे प्रोग्राम हैं किशोरियों से संबंधित और बालिकाओं से संबंधित, उन सबका लाभ पहुंचे सभी के पास। लेकिन ये सब चीज तब संभव होगी जब एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हम लोग इसको लेंगे। इस आज के यज्ञ की धूम, इसका प्रकाश, इसकी रोशनी, इसका असर पूरे देश में फैलेगा। जो संदेश यहाँ से जाएगा वो करोड़ों करोड़ों लोगों को और ज्यादा आंदोलित करेगा। आंदोलन का मतलब वो नहीं है कि आप सड़कों पर उतर के और कुछ उल्टे सीधे काम करने लगे। आंदोलन भीतर से होता है, सबसे पहले कि हम तड़पने लगते हैं कि हम ये बुराई, ये अपराध बंद करेंगे और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएंगे और अगर जो उसके विक्टिम्स हैं उनकी मदद करेंगे, उनका पुनर्वास, उनके लिए और सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ये सारी बातें एक साथ चलेंगी।
और अंत में मैं धर्मगुरुओं से भी आह्वान करता हूँ, बल्कि मैं तो बहन जी चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं सभी धर्मों के, एक सम्मेलन हम लोग करते हैं उनका, हिंदू मुसलमान जैन सिख सभी को बुला के, और एक कन्वर्सेशन करते हैं यहाँ पे कि भाई वो लोग बोलें कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, अपराध है ये, और अगर किसी भी धर्म, किसी भी धर्म तो नहीं कहना चाहिए लेकिन किसी भी पंथ के अंदर अगर बाल विवाह होता है तो वो अधार्मिक कृत्य है, ये वो अपने मुंह से बोलें धर्मगुरु। और पुजारियों को, मौलवियों को, इनको जो भी शादियां कराते हैं गांव में, उनको भी स्पष्ट संदेश जाए कि ये कराना न केवल अपराध है बल्कि एक पाप भी है। धार्मिक तौर पर बच्चियों के साथ इस तरह का अंधेरे में धकेले जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संभव है कि हम लोग मिलके उनको भी तैयार करें, उनकी बात गांव तक पहुंचती है, समाज के हर वर्ग तक हमें यहाँ से लौटने के बाद पहुंचना है। और जैसा मैंने कहा कि अब ये रुकने वाली चीज नहीं है, रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये एंजल, नहीं ये जो आग फैल रही है ये रुकेगी, ये जो प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं आप लोग अपने अपने गाँव में, ये रुकेगा, ज्यादा बढ़ेगा। तूने तो अपना बाल विवाह रुकवाया और 10-20 लोगों को रुकवा दिया, दुश्मन हो गई पूरे गांव की, तू तो कह रही है बढ़ेगा ही, लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं? बढ़ेगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। Are you ready? धीरे से बोल रहे हो, अभी सुनाओ मंत्रानी जी के आगे कि ये हम तैयार हैं आपके साथ इसका अंत करने के लिए, ताकि इनके ऊपर भी एक दबाव बना रहेगा कि पूरा देश चाहता है कि ये खत्म हो जाए, तो इन्हें भी हम चैन से नहीं सोने देंगे। मैं भी चाहे जब चाहे ना बुला लेता हूँ फोन करके लिख के, और वो आते जरूर हैं ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ पर उन्हें लगता है कि ये बदलाव के अंकुर यहाँ से फूट रहे हैं, नए भारत के निर्माण की संभावनाएं यहाँ जन्म ले रही हैं, वहाँ वो जरूर आती है हमारे साथ। तो तैयार हैं सब यहाँ से लौटने के बाद? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।